हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सबके। तो आज मैं आप सभी के लिए एक आलू पराठे की रेसिपी लेके आया हूँ और इसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और मैंने एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट किया है। आपको ये ट्विस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि मैंने ये जब ट्विस्ट मैंने ट्राई किया और इसको टेस्ट किया आलू पराठे को, तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसकी वीडियो बना दी जाए। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में करीबन 2 कप व्हीट फ्लोर या कह सकते हैं गेहूं का आटा मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही साथ ऐड कर देना होगा 2 टेबलस्पून 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और साथ ही साथ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देना होगा और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना होगा और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें एक बिल्कुल सॉफ्ट डो गूंद लेना होगा और गूंदने के बाद थोड़ा सा मैंने जैसे कि अपने हाथों में ऐसे एक रिफाइंड ऑयल डाल के ऊपर से लगा दिया है जो ऊपर की लेयर ड्राई ना हो, तो इसको रख देना होगा करीबन 1/2 आवर के लिए, आधे घंटे के लिए। और यहाँ मैंने 2 प्याज लिए है, 3 हरी मिर्च ली है, 1 इंच जिंजर लिया है, बारीक कटा हरा धनिया लिया है और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से बारीकली फाइनली चॉप कर लेना होगा। और यहाँ मैंने करीबन 2 बड़े आलू मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने इतने बड़े बड़े आलू 2 ले लिए हैं और इन आलूओं को मैंने उबाल लिया था नमक डाल के पानी में और जो मैंने बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स थे उन सब को इसमें ऐड कर देना होगा। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले जैसे कि रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद एक जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जैसे मैगी का मसाला ए मैजिक, इस मसाले को ऐड कर देना होगा और इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, और इस इंग्रेडिएंट को इसमें ऐड कर देना होगा, इसको ऐड कर देना होगा। थोड़ा सा मैंने टेस्ट करके चेक किया तो मेरे को थोड़ा सा कम लगा, मैंने 1 पैकेट और ऐड कर दिया है। जी हाँ, मैंने 1 पैकेट और ऐड कर दिया और थोड़ा सा मुझे नमक भी कम लगा तो मैंने तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी ऐड कर दिया है और सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ मैंने जो आटा गूंद के रखा था मैंने एक उसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लिए थे और उसको अपने कुछ इस तरीके से फैला लेना होगा जहाँ आपको बेलना होगा पराठे को, उसी सरफेस पे आपको कुछ इस तरीके से ऐसे अपनी उंगलियों के ऊपर भी रख के ऐसे आप फैला सकते हैं। और एक तरफ मैंने ये आलू का जो मिक्सचर बना के रखा था उसका एक छोटा सा बॉल बना लिया था और उसके अंदर कुछ इस तरीके से ऐड करके उसमें रखना होगा और रखने के बाद इसको बंद कर देना होगा, इस आलू के पराठे के मिक्सचर को आटे के साथ। तो एक सरफेस में मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है जो हमें आलू पराठे को बेलने में हेल्प करेगा और अपने सरफेस पे मैंने अपने हाथों की हेल्प से हल्का हल्का दबाते हुए बेलना होगा, नहीं तो इसका जो अंदर का मिक्सचर है वो निकल सकता है। अब जिस साइज में आप अपने आलू पराठे को चाहते हैं उस साइज में आप रख सकते हैं, ज़्यादा छोटा भी मत रखिएगा और ज़्यादा बड़ा भी मत रखिएगा, नहीं तो बड़ा होगा टूट जाएगा, छोटा रहेगा कच्चा रह जाएगा। तो एक तरफ मैंने यहाँ अपना नॉर्मल जो हमारे घरों में तवा मिलता है उस तवे पे मैंने तवे को हीट कर लिया है, गर्म कर लिया है और एक तरफ से इसको सेकने के बाद फ्लिप कर दिया है, पलट दिया है। अब इसमें ऐड करूंगा मैं कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल भी कह सकते हैं, इसमें आप घी भी डाल सकते हैं, देसी घी आपकी मर्जी है, मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल डालूंगा और ऊपर से देसी घी डाल के खाना पसंद करूंगा। तो यहाँ एक तरफ
ऑयल लगा लेना होगा और इसको पलट देना होगा, कुछ दूसरी साइड से भी कुछ इसी तरीके से लगा लेना होगा अपना रिफाइंड ऑयल। और हल्का सा साइडों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए अपने आलू पराठे को सेक लेना होगा और अपने आलू पराठे को एंजॉय कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।